असम में होने वाले चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीएम भूपेश बघेल के असम दौरे और वहां बन रहे सियासी माहौल को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राहुल गांधी की मौजूदगी में असम की चुनावी सभा में भारी संख्या में जुटे लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रेलवे स्टेशन जो भाजपा बेच रही है उसको किसने बनाया, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं उसको किसने बनाया, जो ऑयल कंपनियां बेची जा रही हैं वो यहाँ कहां से आई है। 70 साल में कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि असम की जनता में परिवर्तन की चाहत है और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में हमारी जीत सुनिश्चित है। इस पर जवाब में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्व पर लोगों का भरोसा उठ गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं की वहां ड्यूटी लगाई जा रही है। धरमलाल ने कहा कि असम के नतीजे बता देंगे कि जीत किसकी होगी। वहीं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने चुटकी ली, उन्होंने कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? मैं उत्तर देना चाहता हूं, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। तो देश के एकता और अखंडता को एक बनाए रखा, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ के रखा, और इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हैं, ये जोड़ने वाली ताकत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं किया, तो जो रेलवे स्टेशन बनाए हैं बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या उसको तुम्हारा दादाजी ने बनाया था? ये एयरपोर्ट जो बेच रहा हो क्या तुम्हारा नाना ने बनाया था? ये जो ऑयल कंपनी जो बेच रहा हो तुम्हारे काका के दहेज में आया था जिसको तुम बेच रहे हो? 70 साल में कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ये जुमलों की पार्टी है। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया दूंगा, किसी को मिला? छत्तीसगढ़ की जो मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आसाम से छूता नहीं, वहाँ भी लोगों को न्याय योजना के बारे में, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में, गोधन न्याय योजना के बारे में लोगों को पहले से जानकारी है। असम का रिजल्ट आपको बता देगा। इसके पहले भी मुख्यमंत्री और मंत्री लोग गए हैं, तो मैंने बताया था कि दो उत्तर प्रदेश में गए थे और उत्तर प्रदेश में जब जाने के बाद में 2 सीट मिली थी लोकसभा में, उसको 1 सीट करके आ गए। मध्य प्रदेश में गए थे, 2 सीट को 1 सीट करके आ गए। इनके जो प्रभारी थे उनके क्षेत्र में क्या हुआ, और बाकी अभी बिहार के चुनाव में गए थे वहां भी बहादुरी दिखा करके आए हैं, तो कितना इनको तवज्जो वहां की जनता दे रही है और कितना मिल रहा है, असम के रिजल्ट आपको अभी पता देगा आने वाले समय में। अब जहां जहां पैर पड़े संतन के तह तह बंठा धार, ये तो भविष्य बताएगा। छत्तीसगढ़ के और इस खबर पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट हमारे जुड़ गए हैं नितिन चौबे। नितिन, असम में चुनावी माहौल तो लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है, लेकिन उस गर्माहट की तपिश कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में भी महसूस की जा रही है, और ऐसे में राजनीति का जो पारा है लगातार चढ़ता दिखाई देने लगा है छत्तीसगढ़ में। और जो अब तक चुनावी माहौल में जब जब बीजेपी के सवाल उठते रहे कि आखिर 70 साल में कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, इसका जवाब आज सीएम भूपेश बघेल असम में एक सभा के दौरान देते नजर आए। क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में असम के चुनाव को लेकर? जी, निश्चित तौर पे कमर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आसाम का प्रभार दिया गया है, उसके साथ ही साथ अन्य नेताओं को, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय या महापौर एजाज ढेबर हो, साथ ही साथ और भी अन्य प्रदेश के महामंत्रियों को आसाम की डोर संभालने दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कहा है कि आसाम की जनता आश्वस्त है कांग्रेस के प्रति, और वहाँ के वोटर कांग्रेस की नीतियों को और छत्तीसगढ़ के मॉडल को समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर वहाँ रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आएंगे, और कल ही जब राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां एक आम सभा हो रही थी उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत किए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा भाजपा की केंद्रीय सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कि अभी तक अपने वादों पे कब खरी उतरी है भाजपा की सरकार, ये केवल जुमलों की सरकार है,
जो सरकार सरकारी संपत्तियां बेच रही है वो किनके रिश्तेदारों की है, किस हक से जनता के लगे पैसे का विक्रय कर रही है सरकार। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भाजपा है वो तोड़ने की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस जब से अंग्रेजों का समय रहा महात्मा गांधी से लेकर अभी तक कांग्रेस ने जोड़ने का ही काम किया है। उनके नेतृत्व में हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इकाई का नारा ही चला है। इस तरह के आरोप उन्होंने भाजपा पे लगाए, तो ऑब्वियसली जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऐसे कुछ बयान निकल के आते हैं तो यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। इसी एवज में नेता प्रतिपक्ष ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब अन्य प्रदेशों का प्रभार दिया गया था यहाँ के नेताओं का, तब क्या हुआ है और उसकी क्या दशा हुई है, यह जनता बखूबी जानती है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर चुनाव के परिणाम क्या हैं ये जनता देख चुकी है, और आसाम के चुनाव के परिणाम भी भलीभूति जनता जानती है। वहीं जब कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से पूछा गया इस बारे में तो इसी धर्मलाल कौशिक के सपोर्ट में उन्होंने कहा कि जहां जहां पेड़ पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। तो कुल मिला के जो आसाम की राजनीतिक चुनाव तो आसाम में है लेकिन उसकी राजनीतिक सरगर्मियां क्योंकि यहां के नेता प्रभार में है तो निश्चित तौर पर यहां उसकी सरगर्मियां छत्तीसगढ़ की राजनीतिक माहौल को गर्मा रही हैं। जी बिल्कुल, राजनीतिक माहौल तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी गर्म होने लगा, हालांकि चुनाव असम है, लेकिन जिस तरह से 70 साल का जवाब आज भूपेश बघेल देते नजर आए तो वहीं मुद्दों को लेकर बात की जाए, क्योंकि जीत का दावा करती यहां पर कांग्रेस पुरजोर तरीके से दिखाई दे रही है, और आज खुद सीएम भूपेश बघेल को लेकर बात की जाए नितिन तो वो ये बात कहते दिखाई दिए कि जीत तो कांग्रेस की ही होगी असम में, जिस तरह का माहौल बन रहा है क्योंकि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है, लेकिन जिस तरह से जीत को लेकर दम भरती दिखाई दे रही है ऐसी क्या रणनीति है, पहली सवाल तो ये निकलकर सामने आता है। दूसरा, बीजेपी खुद जो है कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में क्या कुछ माहौल बन रहा है? जी कमर, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व पे सवाल उठाए हैं, उन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कह चुके हैं कि अभी तक ये अपना राष्ट्रीय नेता नहीं चुन पाए, केंद्रीय नेतृत्व को किसी हर तरीके से नकार चुकी है जनता, केंद्र की सरकार, केंद्र की जो कांग्रेस सरकार है, माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी है जी, उसके ऊपर कितना भरोसा करती है जनता, ये तो साफ तौर पे नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से जनता इनके बीच में आंतरिक मतभेद है, अपना राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने में भी सक्षम नहीं हो पाई है यह पार्टी, और इनका ये कहना है कि इसी असक्षमता की वजह से छत्तीसगढ़ के नेताओं को असम का प्रभार दिया हुआ है। दूसरी ओर धर्मलाल कौशिक ने साफ तौर पे इशारा किया कहीं चंदे की रकम को लेकर या धनाढ्य लोगों की लेकर या किसी तरह से एक राजनीतिक इशारा था कि जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं यहाँ के नेता उन्हीं को अन्य राज्यों के चुनाव का प्रभार दिया जा रहा है। खास करके अगर हम बात कर लें तो जैसे कि माफ कीजिएगा होम मिनिस्टर जो है साहू जी, ताम्रध्वज साहू उनको गुजरात का प्रभार दिया हुआ है और मुख्यमंत्री स्वयं आसाम के प्रभार में है। इसी तरह अन्य वरिष्ठ नेताओं को टीएस सिंहदेव हो स्वास्थ्य मंत्री, इनको भी अन्य राज्यों के कई प्रभार पे कई चुनाव में भेजा जा चुका है। तो इसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष और भाजपा खासकर आड़े हाथों लेते आई हुए इस बात को लेकर कि राष्ट्रीय नेता तो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, और उसी को लेकर जो कि कांग्रेस अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं को भेज रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी मिलती दिखाई दे रही है, और इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी माहौल यहां पर एक अलग तस्वीर बनाता दिखाई देता रहा है। लेकिन जिस तरह से असम को लेकर बात की जाए और वहां की जीत के दावे भी अब होते दिखाई देने लगे और बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आमने सामने आ गए असम मुद्दे को लेकर, लेकिन जिस तरह से किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके आधार पर जो है असम में बात कहते नजर आ रहे हैं कि उन योजनाओं की जो है चर्चा असम में भी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि यहां पर जीत दर्ज हो सकती है। तो क्या लगता है कितना सहारा लेती दिखाई देगी छत्तीसगढ़ की सरकार इन योजनाओं को लेकर, और खुद कांग्रेस इसको लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ के कई लोग आसाम में निवास करते हैं, यहाँ की जो गोधन न्याय योजना है या किसानों की जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसकी चर्चा पूरे देश सहित आसाम में भी है, और आसाम है नॉर्थ ईस्ट के राजनीतियों का दरवाजा खोलता है। तो जिस तरह से वहां के लोगों में यहाँ की पॉलिसीज यहाँ की योजनाओं को लेकर चर्चा है और जिस तरह से आम जनता के बीच में सपोर्ट बन रहा है,
उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आश्वस्त नजर आते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन करके वापस सत्ता में काबिज करी, तो आसाम में भी वही जादू देखने को मिलेगा। उसी तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से मुस्तैदी से यहाँ के लोकल नेता, लोकल चुनाव प्रभारी, चाहे वो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हो, महापौर अजय ढेबर हो, महामंत्री राजेंद्र शुक्ल हो, अन्य कोई भी नेता, जिस हिसाब से डेरा जमाए हुए आसाम के चुनाव को लेकर, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित रविन्द्र चौबे कृषि मंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ का संगठन पूरी तरह से आसाम चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आसाम में डटा हुआ है और वहां की जीत वो हासिल करके लौटेगा। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस यहां पर दम भरती दिखाई दे रही है और एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में जीत की बात कहती यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से सवालिया निशान लगा रहा है, आगामी दिनों में क्या कुछ सियासी तस्वीर बनती है, चुनाव असम में लेकिन माहौल लगातार छत्तीसगढ़ में भी बनता दिखाई दे रहा है। जुड़ने के लिए तमाम बात पर आपका शुक्रिया। तो जिस तरह छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए, तो यहाँ के दिग्गज नेताओं को अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेदारियाँ दी गई, चाहे गुजरात की बात हो, असम की बात हो। असम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो इस बीच उन्होंने कई बातों को लेकर बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा कई मुद्दों को लेकर, तो वहीं कांग्रेस की जीत का दम भी भरते नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में योजनाएं चल रही हैं, उसका असर, उसकी सराहना, उसकी उनको जो पसंद किया जा रहा है, असम में भी पसंद किया जा रहा है, असम की जनता भी उनकी काफ़ी सराहना करती दिखाई दे रही है। और उन्हीं योजनाओं को लेकर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर माहौल कुछ अलग बन रहा है और जनता भी परिवर्तन चाहती है, और ऐसे में जो असम में कांग्रेस की जीत दर्ज होगी। फिलहाल कांग्रेस की इस जीत के दावे को लेकर बीजेपी भी लगातार तंज कशी कर रही है। क्या कुछ माहौल बनेगा, देखने वाली बात होगी। खास खबर में इतनी, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।